और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 3 सीटों पर आज मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में इंडियन न्यूज की टीम कांकेर लोकसभा के गुंडरदेही पहुंची और मतदान केंद्र का जायजा लिया। सकते कि महिलाएं वोटिंग करके बाहर भी आ रही है, अंदर भी जा रही है। अभी वहाँ पर कुंवर सिंह निषाद जो विधायक है यहाँ के, वो भी अभी बाहर निकले वोट डाल के, अपना कीमती वोट डाल के। और आप देख सकते हैं कि मोबाइल रखे जा रहे हैं बाहर, ताकि पूरी प्रॉपर वोटिंग हो रही है और सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे, और मोबाइल भी बाहर रखे हुए जी। आज कांकेर लोकसभा सीट पर मतदान होने हैं और आज हम आए हैं बालोद जिले के गुंडरदेही में, जहाँ पर हम मतदान केंद्र में खड़े हैं। वहाँ देख सकते हैं मतदान लगातार हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ हमारे साथ अभी मौजूद है वोटर्स, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे जिन्होंने वोट डाल दिया, बहुत सारे जो डालने वाले, आइए उनसे बात करते हैं जी। क्या नाम है दीदी? पार्वती ठाकुर जी। चूँकि अभी आपने वोट डाला है, तो किन मुद्दों को लेकर और किन बातों को ध्यान में रखकर आपने वोट डाला इस बार? हमारे अच्छे तरीक़े से पूरा इसे काम हो, सभी जनता को देख के मध्य। चूँकि ये पार्वती जी थी, और आइए हम अगले वोटर से बात करेंगे कि इन्होंने किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग की और क्या चाह रहे हैं आगे के लिए जी। क्या नाम है आपका? कविता ठाकुर जी। बताइए। हम लोग वोट दिए हैं कि सरकार अच्छे से हमारे चलाए, हमारे भारत देश को जी। बस। और क्या अभी चीज़ें बाकी रह गई है जो होनी है? क्या चाह रहे हैं आप कि सरकार, जो भी सरकार आपने चुन के आएगी, उनसे क्या उम्मीद है आपको? किसान को थोड़ा अच्छा जैसे दे रहे हैं लाभ, वैसे लाभ देते रहें, और किसान के बारे में भी सोचे, अन्य पूरा मजदूर के बारे में भी सोचे, महंगाई इतनी बढ़ रही है उसके बारे में भी सोच के आगे चलाएं अपना। वो ये महंगाई के देखते हुए वो कर रहे हैं कि महंगाई कम हो सके, जो भी सरकार बने महंगाई को देखते हुए। जैसा कि आपने सुना, महंगाई और किसानों का एक मुद्दा है, उसको लेकर पार्वती जी ने बताया, बाकी उससे जानेंगे हम कि वो क्या सोचते हैं इस पर जी। अभी हमारे साथ मौजूद है गुंडरदेही से विधायक कुंवर सिंह निषाद जी, और चूंकि ये आप वोट डालने आए हैं ये भी, और इनसे आप बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये वोट डालेंगे जी। ये देश के संविधान को बचाने का और देश के लोकतंत्र को बचाने का एक बड़ा, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो बातें चल रही हैं, निश्चित ही हम उस ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश को लोकतंत्र के नाम से सबसे बड़ा विश्व में जाना जाता है। लेकिन आज 10 साल भाजपा की सरकार को हो गई, जिन्होंने विकास के दम पे, न्याय के दम पे, सेना के दम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगा, लेकिन आज धरातल पे न ही विकास की बातें दिख रही है, न ही अन्य चीज़ें दिख रही है। जनता सारी चीज़ें समझ चुकी। कब तक आप लोगों को रोज़गार के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, अन्य चीज़ों के नाम पर वोट मांगने का काम करेंगे? लेकिन आज उसके पास मुद्दा नहीं है, तो केवल यही बोलते हैं कि अब केवल देश को जोड़ने का। मैं बोलता हूँ 10 साल आपकी सरकार, तो आपने तोड़ने काम किया है देश को, आपने तोड़ने काम किया है ना, सरकार आपकी थी। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा होता है तो महंगाई, जो घर के रसोई से लेके अन्य चीज़ों संसाधन का आज रेट जो है सातवें आसमान पर है। तो विकास को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर, और जितने भी पब्लिक सेक्टर, पीएसयू सेक्टर, उसको बचाने के लिए आज हम लोग देश हित के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, और देश के लिए हम लोग अपील भी कर रहे हैं। और आज जनता परिवर्तन के दौर पर अपना बखूबी साथ देगी और देश हित में न्याय लेगी। चूँकि निषाद जी, आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में, चूँकि आप कांग्रेस से, और कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में रोजगार की गारंटी के लिए बताया है, उसको कैसे कांग्रेस अचीव कर पाएगी? बिल्कुल, रोजगार की गारंटी आपको पता होगा, मनरेगा भी अगर चालू किया तो कांग्रेस की सरकार ने। आज वही मनरेगा है जो हमको लॉकडाउन के समय, जब हमारे पास काम और संसाधन नहीं थे, तो लोग मनरेगा काम करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन किए 2 साल, और इन लोग उसी मनरेगा का विरोध किए थे कि लोगों को आलसी और लाचार बने। लेकिन आज उसी की बदलत, आज पूरे देश के आर्थिक संसाधन से लेकर सर मार्केट, अगर हम काम करें, मजदूर काम करें, पैसा कहाँ जाएगा? मार्केट में तो जाएगा ना। तो ऐसा करके उसके बाद इन्होंने जो कहा था रोजगार, 2-2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात किए थे, लेकिन हम झूठ बोलने काम नहीं करते। हमने जितना ताकत, जितना सामर्थ्य, जितनी साहस है, हमने कहा 30 लाख तक रोजगार देंगे, और यदि युवा बेरोजगार हैं, काम नहीं लग पाता, उसको गारंटी हम लोग 1 लाख रुपये साल का देंगे। ये हमने सबसे बड़ी बातें होंगी।
क्योंकि ये कांकेर लोकसभा सीट में अभी हम खड़े हैं, तो यहाँ के बारे में कैसा आपको देखते हैं, क्या होगा, परिणाम क्या रहेंगे? निश्चित ही क्लीन स्वीप होगा, क्योंकि जो प्रत्याशी हमारे खिलाफ, हमारे पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ है, उनके खिलाफ जो मामला हुई है, जो एक तरफ नारी की अस्मिता और नारी की बात करते हैं, लेकिन जहाँ पर आज 14 साल से नरसो बाई के परिवार अपने बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, न्याय के लिए भटक रहे हैं, और निश्चित ही उस न्याय में उसको उम्मीद मिलेगा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश साहू चिनकर यहाँ से जाएंगे। अंतिम सवाल मेरा, चूंकि आज राजनांदगांव की जो हाई प्रोफाइल सीट है वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी खड़े हैं और उनकी किस्मत का फैसला चूंकि ईवीएम में कैद हो जाएगा, वहाँ कैसी फाइट देखते हैं आप? एक तरफा है या फाइट है वहाँ पर? मैं तो कहूँ सीधा एक तरफा फाइट है, क्योंकि 5 साल संतोष पांडे जी रहे और उसकी निष्क्रियता, क्योंकि मेरा विधानसभा उनके लोकसभा से लड़ा हुआ और जितने गांव मेरे विधानसभा थे आज भी एक ढेला विकास का नहीं, गांव तो पहुंचे नहीं, तो ढेला कहां से जाएगा? तो उनका परिणाम वो बैलेट के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से लोग उसको देंगे और उसको वहां से हटा के उखाड़ फेंक के, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को निश्चित ही राजनांदगांव की जनता चुन कर सदन में, दिल्ली के सबसे बड़े सदन में, लोकसभा में भेजेगी, ये पूरा उम्मीद है। धन्यवाद, थैंक यू। ये थे कुंवर सिंह निषाद जी, जिन्होंने गारंटी दी है और जिन्होंने जीत का आश्वासन दिया है और काफ़ी कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा है कि इस बार भाजपा हारेगी। कैमरामैन सनी देवांगन के साथ यशवर्धन उमा, इंडियन न्यूज़। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।